डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी तथा महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने यहां प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण महंगाई आसमान छू रही है, गरीब व आम जनता का जीना मुश्किल होता जा रहा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट वसंत कुमार ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है, महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दामों में गिरावट के बाद भी सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को ऊंचे दामों में बेच रही है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि डीजल पेट्रोल के दामों में गिरावट नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, आज आम आदमी पार्टी बागेश्वर द्वारा हमारे माननीय नेता आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बसंत कुमार जी के नेतृत्व में आज हमने बागेश्वर के एसबीएस चौराहे पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला दहन करने का काम किया है। और उसका कारण ये है कि जब सत्ता में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने युवाओं को एक बहुत ही लुभावनी बात कही थी कि आपको हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है, युवाओं से उनका रोजगार छीना जा रहा है। आपने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, आज आप देखिए, अगर एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी अगर शाम को अपने घर में आता है, कुछ दाल चावल नॉर्मल सी चीज़ें अगर बनाता भी है, पकाता भी है अपने परिवार के लिए, तो आप देखिए आज घरेलू सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए। 300 का जो घरेलू सिलेंडर था आज लगभग 1000 के पार वो पहुँच चुका है। आज देखिए जो हमारा कॉमर्शियल सिलेंडर है, जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो कितना परेशान है। जो 1500-1600 का आज कॉम्प्रेसर सिलेंडर आता था आज लगभग 2000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो हम इस पुतला दहन के माध्यम से और इस उत्तराखंड के सरकार को और केंद्र सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि यदि आपने जल्द से जल्द अगर इस महंगाई पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो हम पूरे उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभाओं में आदरणीय बसंत कुमार जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, पूरे उत्तराखंड में हम पुतला दहन करने का काम करेंगे और संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जहां तक भी हो पाया हम इस महंगाई को कम करने के लिए इस सरकार को विवश करेंगे। ये जो महंगाई पर हम लोगों द्वारा पुतला दहन किया गया है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, उस टाइम पर आम इलेक्शन चल रहा था, तो एक गाना था, महंगाई टाइम मार खाएगी, तो वो गाना गायब हो चुका है। महंगाई टाइम वैसी है, अब इन्होंने महंगाई टाइम से दोस्ती कर ली है। जब तक ये सत्ता में नहीं थे तब तक इनकी दुश्मनी थी। ये कहते थे सखी सहेली बहुत ही कमात है, महंगाई टाइम खाई जाते है, तो महंगाई टाइम आज भी खाती है और महंगाई टाइम से आज भी लोग परेशान है, लेकिन इनकी महंगाई टाइम से दोस्ती हो चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो चुके हैं, यानी कि पेट्रोल को इतनी इज्जत दिला दी इन्होंने अपने शासन काल में। जो ये कह रहे थे कि उससे पहले जब ये विपक्ष में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनका ये था, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने ही महंगाई पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया है। आज जो सत्ता में है मैं उस पर सीधे सीधे कटाक्ष करना चाहता हूँ कि जब तक ये सत्ता पे नहीं थे इनका केवल एक मुद्दा था कि देश में महंगाई बहुत हो चुकी है। महंगाई अब पेट्रोल डीजल का जहाँ सवाल है, पेट्रोल डीजल की मार जो है वो पूरे आम पब्लिक पर पड़ती है। आम पब्लिक पर कैसे पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आने वाली चीज़, जो भी ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां चलेंगी उसमें पेट्रोल डीजल ही इस्तेमाल किया जाएगा, और जब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका जो रसद सामग्री है, एक एक जो सामान हमारे जो एसेंशियल गुड्स हैं उस पर भी जो है उसका बड़ा फर्क पड़ेगा, उसकी कीमतें बढ़ने लग जाएंगी, वो महंगाई पर मार करेगी, आम आदमी को उसकी चोट पहुंचेगी। अच्छा ठीक है, हम ये मानते हैं कि आपके पास जो है पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा ये जताते हैं या फिर ऐसा बताने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे देश के सामने वो ब्लूप्रिंट रखिए कि आप जो है पेट्रोल डीजल के दामों को कम क्यों नहीं कर सकते हैं। या तो आपकी जो है आप टेलीविजन डिबेट्स में आइए, आप अपने तर्क रखिए, देश सुने तो सही, लेकिन तर्क ये है
कि 35 रुपये का पूरा जो है 35 रुपये लीटर के हिसाब से कच्चा तेल आ रहा है और यहाँ पर जो है वह 100 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत में बिक रहा है। उसके बीच में जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो इनकम है उस इनकम को देखिए, वह इनकम केवल राज्य सरकार की केंद्र सरकार की नहीं है, जिनके साठ गांठ से जिन धनाढ्य लोगों के से पैसा लेकर चंदा लेकर इन्होंने सरकारें बनाई हैं, जिस पैसे से आज तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस पैसे से ठीक चुनाव के टाइम पे ये लोगों को खरीदने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार करके जो है किसी तरीके से कैंपेनिंग करके गलत तरीके से और पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल करके और भ्रष्ट तंत्र के तहत जो शासन सत्ता में बैठते हैं ये लोग लास्ट में उन धनाढ्य लोगों के जेबों को भरने का काम करते हैं। ये अपने आकाओं के लिए काम कर रहे हैं, ये जनता के लिए काम नहीं करते हैं। अगर ये आकाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो ये अपनी मजबूरी बताएं ना कि आप कैसे कम नहीं कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दामों को। आप आइए डिबेट्स में, आइए आप सामने ब्लूप्रिंट रखिए कि किस कारण से आप जो है पेट्रोल डीजल के दामों को कम नहीं कर पा रहे हैं। यह सत्य है, यह 100% सत्य है कि आपकी साठगांठ इस देश के उद्योगपतियों से, धनाढ्य लोगों से डीजल पेट्रोल की जो कालाबाजारी हो रही है उसमें आपकी पूरी मिलीभगत है, आपका पत्ता वहां भी लगा हुआ है, चुनाव का पैसा आपका वहीं से आता है। अन्यथा अन्य कंट्रीज में पेट्रोल डीजल के दामों से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं है, ज़्यादा क्यों है? सवाल ये है कि भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया के सारे देशों से सबसे ज़्यादा कैसे, हम सवाल पूछते हैं केंद्र सरकार से। आप एक मेहरबानी कर दीजिए इस देश पर, आप थोड़ा सा ईमानदारी से काम कर दीजिए, अन्यथा 2022 उत्तराखंड के लिए और आने वाले समय में केंद्र की के आम इलेक्शन जब यूनियन के होंगे उस समय पर इस देश की जनता अब आपको माफ करने वाली नहीं है। एक एक जो आपने जुर्म की है उनका हिसाब जो है बदला लेने के लिए आम जनता तैयार है। अभी भी आपको पब्लिक सेंटिमेंट दिख रहा होगा और ऐसी परिस्थिति में हम लोग, अगर ये महंगाई दर कम नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ और जनता की जरूरतों को आगे लेते हुए पूरी ताकत के साथ किसी भी हद तक हमें गुजरना पड़ेगा। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए तैयार हैं और जगह जगह पर पूरे प्रदेश में हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं और हम उत्तराखंड सरकार को और केंद्र सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। जो ये संवेदनहीन लोग सत्ता पर बैठ गए हैं इनको जरूर अकल आनी चाहिए, जरूर इनको जो है सही सबक सिखाया जाना चाहिए जिससे कि ये जनता की जरूरतों को समझने का काम करें। ये हमारा तर्क है। के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।